फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। ये जो फ्रेंड हमारे साथ में है, इनका हमने 42 डेज पहले गायनेकोमास्टी सर्जरी किया था, तो चलिए उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाई, आपका प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली? गायनेकोमास्टी सर्जरी आपने क्यों किया? सर, वो पहले देखने में थोड़ा और जैसा लगता था अच्छा और टी शर्ट वगैरह पहनने में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा मैं बूप्स वगैरह मतलब क्लियरली शो हो रहा सो था, रहा था। हाँ, तो वही प्रॉब्लम तो होती थी। फ्रेंड्स लोग कभी कभी टीज करते हैं, या मतलब या किसी के सामने कपड़ा खोलने में थोड़ा सा स्विमिंग दिक्कत, वगैरह में भी सब प्रॉब्लम होती स्विमिंग थी। में भी हाँ, प्रॉब्लम थी। तीन बार अनफिट किया मेडिकल में, मतलब नेवी में भी एक बार कोस्ट गार्ड में, और एयरफोर्स में भी अनफिट हुए हैं मेडिकल में। तो सर, अभी भी मैं रिव्यू मेडिकल में ही हूँ। अच्छा तो सर, अच्छा आपने मेडिकल किया, उसके बाद सर री मेडिकल में फिट कर दिया है, तब ज्वाइनिंग होगा जी। तो ये प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है कि जब कभी कभी गवर्नमेंट जॉब में, खास करके जो लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों को कभी कभी मेडिकल में अनफिट कर देते, तो ये एक फ्रेंड का प्रॉब्लम था। तो आपका तो सर्जरी हमने जिस दिन हुआ उस दिन हमने लोकल और ट्यूमिसेंट एनास्थीसिया में किया, आपको सब कुछ पता चला, कितना दर्द हुआ ये पूछ पूछ लेते एक बार। सर, दर्द का बोले तो मतलब फील कुछ फील नहीं हुआ, अच्छा मतलब दर्द जैसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। हाँ, नॉर्मल, बस ये समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, ओके okay। बट पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, तो हम सर्जरी एक्चुअली हम ट्यूमिसेंट एनास्थीसिया में करते, जहाँ आपको पता चलेगा कि सर्जरी हो रहा है, हम पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं, है ना, तो ये सब करते हैं, लेकिन कोई पेन नहीं होता, ये स्पेशल ट्यूमिसेंट एनास्थीसिया बोला जाते हैं। और सर्जरी के बाद आप इधर 3 घंटे थे, उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत? नहीं सर, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ऐसे ठीक नॉर्मली ठीक ठीक थे। हाँ और छुट्टी के बाद तो उसी दिन आपको घर चले गए, सर, घर में मैं जाके पहला 2-3 दिन का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस था या ऐसा कुछ? सर फर्स्ट डे जब आप 3 डेज बाद दोबारा ड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे, अच्छा उस टाइम जो पाइप वगैरह लगा था साइड में, हाँ, उसे हल्का सा पेन हो रहा था, लेकिन अच्छा उतना ज़्यादा पेन नहीं था कि मतलब प्रॉब्लम हो। ओके और ओके बाकी पाइप निकालने के बाद सर पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद कोई ओके प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। हम उनको ड्रेन डाले थे क्योंकि काफी बड़ा गायनेकोमेस्टिया था, और 2 दिन बाद हम बुलाते हैं जिन पेशेंट का ड्रेन डालते हैं उनको निकालने के लिए, तो उस फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अभी ओवरऑल आपको रिजल्ट सेटिस्फेक्टरी है आपके पास? हाँ सर, पूरा क्लियर है। अभी चेस्ट वगैरह देखने में भी अच्छा लगता है, टी शर्ट पहनने में भी अच्छा लगता है, टी शर्ट अच्छा, वगैरह भी पहनता है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, हमारा स्टाफ या मैं सर्जरी की, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आप अगर रिकमेंड करना चाहते हो लोगों को, मतलब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अगर शेयर करेंगे। सर, आप तो मतलब अच्छे हैं, वो तो थैंक अलग है, यू। बट आपके स्टाफ्स ऑल्सो अच्छा बेटर है, बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छा सर, आप बिहेवियर वगैरह भी बहुत सही से, हाँ अच्छा अच्छा मतलब घर जैसा फीलिंग होता है, ऐसा अच्छा हॉस्पिटल वगैरह नहीं लगता है। अच्छा तो दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो काफ़ी परेशानी रहता है, तभी लोग हॉस्पिटल में आते हैं, उनका इमोशन हम लोग समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका दर्द ना हो, उनको कहीं दूर कहीं आ गया ऐसा फीलिंग ना हो, कि लगता है कि खुद का ही घर है। तो फ्री में रहता है तो पेशेंट जल्दी, उनका डर नहीं लगते, जल्दी रिकवरी होता है, तो ये फील गुड सेंसेशन और सपोर्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल, डॉक्टर और जो स्टाफ, उन लोगों का सपोर्ट भी रिकवरी में काफ़ी मेंटली हेल्प करते हैं, कि उनको लगता है नहीं मैं सेफ हैंड में हूँ। तो हम लोग का, मेरा को और मेरा जो स्टाफ है, सबको कोशिश रहता है कि बेस्ट सर्विस हम दे पाए। तो अगर आप लोगों का गायनेकोमेस्टिया को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, तो फोटो देखने के बाद हम आपको बजट बता देंगे और फिर क्या क्या करना है वो सारे कुछ बता देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस भाई को भी हम लोग धन्यवाद देते हुए इधर ट्रस्ट करके आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका अभी जो शेप हुआ है वो री मेडिकल में भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके आपको थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू सर। और अच्छा रहिए, आप इम्पोर्टेंट जॉब में ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपके लिए हमारा शुभकामनाएं है। थैंक यू।